जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके एक समस्या का समाधान लेकर उपस्थित हुए हैं। कई भक्तजनों के द्वारा पूछा गया है, कई मित्रों ने बंधुओं ने पूछा है कि यदि ज्योत बार बार ऐसे हिल रही हो या भभक रही हो तो उसका क्या मतलब होता है, तो दीपक में यह संकेत आपको क्या बात बताना चाह रहा है। तो आपके लिए इस समस्या का समाधान, इस सांकेतिक भाषा का क्या अर्थ है, उसका आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपके लिए जानकारी बहुत ज्यादा सफलता लाने वाली है। आपको कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जब आप देवी देवताओं के सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कहीं से हवा नहीं आ रही है, कोई पंखा नहीं चल रहा है, दीपक बिल्कुल शांत सीधी लौ के साथ जलना चाहिए, परंतु यदि वहां पर भी दीपक इस प्रकार से हिल रहा है, लहरा रहा है या ऐसे ऊपर की तरफ बार बार भभक रहा है तो उसका क्या अर्थ होता है। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा। तो देवी देवताओं के द्वारा यह संकेत दिया गया है या आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप ये जान पाएंगे। आपको हम बताना चाहेंगे, दीपक जलाया जाता है, अग्नि देव को प्रकट किया जाता है, देवताओं तक भोग को पहुंचाने के लिए आपकी उस प्रार्थना को, समस्या को देवताओं तक पहुंचाने के लिए कि हे देव, आपकी प्रसन्नता हेतु आपको ये घृत जो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों से खाकर जीव जंतुओं के दूध से मथकर बनाया गया है, यह घी जो सबसे शुद्ध रूप माना जाता है आपको हम अर्पण कर रहे हैं भोग रूप में दीपक के माध्यम से। उस समय यदि दीपक बुझता है या दीपक आधा ही जलकर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उसमें घी भी बचा रह जाता है, या पूरा जल जाता है उसमें रुई का भी लेश मात्र नहीं रह जाता, तो इन सभी बातों के क्या संकेत होते हैं, या दीपक में कौन सा फूल बन जाता है, दीपक में कौन सा फूल बन जाए, कौन से देवी देवता की आराध्य देव की इष्ट देव की आप पर कृपा है, उसमें कौन सा ऐसा आकृति बन जाएगी संकेतिक रूप में कि वो आपको अपनी आशीर्वाद की जो प्राप्ति है उसका संकेत दे रहे हैं कि उन्होंने वो पूजा स्वीकार कर ली है, आपका जो भोग आपने दिया वो स्वीकार कर लिया है, आपकी जो इच्छा थी वह उन्होंने पूरी करने के लिए आशीर्वाद दे दिया है। ऐसे संकेत आपको कैसे मिल सकते हैं, क्या आपके दीपक में घटनाएं घट रही हैं, उससे संबंधित हम पहले ही कई प्रकार की सीरीज में वीडियोस डाल चुके हैं कि दीपक में फूल बने तो कौन सी आकृति बने, तो कौन से देवता का आप पर साया है, आशीर्वाद की छाया है, तो उसको भी आप अन्य वीडियोस के माध्यम से बाबा का आशीर्वाद एस्पिन चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम जो चर्चा लेकर आए हैं कि दीपक की ज्योत का बार बार लहरा करके हिलना या जोर जोर से ऊपर की ओर लंबा हो जाना, ज्योत का हिलना और ज्योत का लंबा होकर के ऊंचा हो जाना, ये दोनों ही संकेत आपके उस दीपक में आपको क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुन लें। जो अग्निदेव हैं वो अलग अलग माध्यम से कभी शांत रहकर, कभी लहरा कर, कभी तेज भभक भभक कर ऊपर उठते हुए ज्योति, इतनी सी ज्योति जो आपने लगाई है उसका आकार इतना बड़ा बढ़ जाना आपको क्या संकेत दे रहा है। अग्निदेव क्या आपको उस देवता का संकेत प्रदान कर रहे हैं कि जो आपने इच्छा जाहिर की थी देवताओं ने वह स्वीकार की है या नहीं, उसका आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। दीपक जलाया जाए या हवन किया जाए उसके माध्यम से अग्निदेव आपकी देवी देवताओं तक, पितरों तक, कुल देवता तक, इष्ट देवता तक, आराध्य देव तक, यक्ष गंधर्व या नागों तक, जो भी आपके इष्ट हैं उन तक उस इच्छा को, उस साधना को, उस विधि विधान को पहुंचा रहे होते हैं, उन भोग को वहां तक दे रहे होते हैं। सभी को जो उनका भाग है, जो उनका जाप है, जो उनका सिद्धि विधान है, जो आप कर रहे हैं वह पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, फिर भी हमारी भक्ति में जब कोई शक्ति खुश हो जाती है, उस पूरी भक्ति विधान को स्वीकार कर लेती है, तो
तो वह उस दीपक में लहराकर आपको अपनी उपस्थिति का आभास करा रही होती है। जब वह दीपक इस प्रकार से लहरा रहा है तो समझ लीजिए वही इष्ट देव जिनको आप अपना आराध्य इष्ट मान रहे हैं वो वहां पर विराजमान हैं। उस समय आप अपनी साक्षात जो बातें करना चाहें, जो आप चाह रहे थे कि भगवान मेरे सामने प्रकट हों, तो मैं उनसे ये अरदास लगाऊं, ये बात कहूं, उस समय आप अपने मन की वह बातें, वह अरदास, अर्जी उनके सामने लगा सकते हैं। उस समय समझिए साक्षात रूप से वो इष्ट देव, आराध्य देव, वो भगवान आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। और इस प्रकार से यदि आपने कोई अर्जी लगा दी है उस लहराते समय, और यदि वह ज्योत ऊंची होकर के बढ़ रही है और ऊंची हो रही है, तो उसमें आप अपने इष्ट देव की हां यस बोल दिया है उन्होंने आपके उस काम के लिए, समझ जाइएगा कि आपकी वह अरदास, वह अर्जी स्वीकार कर ली है जिसके सांकेतिक रूप में वह इष्ट देव इतने ज्यादा ज्योत को ऊंचा उठा करके आपको अपनी हां का प्रतीक दे रहे हैं। क्योंकि देखिए कई व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें भगवान साक्षात सामने दिखाई दे, जैसे कि पुरानी कथा कहानियों में, शास्त्रों में लिखा हुआ। लेकिन यदि एक ही कमरे में कई तरह के सिग्नल तो होते हैं, वहाँ पर अलग अलग मोबाइल की सिम के सिग्नल्स हैं, अलग अलग कंपनियों के, एयरटेल है, जियो है, आइडिया है या और अन्य जो कंपनियाँ हैं, परंतु जब तक उस सिम की रेंज की फ्रिक्वेंसी की आप सिम नहीं लेते हैं और मोबाइल में नहीं डालते हैं, तब तक उस कमरे के अंदर आए जाने वाले उन सिग्नलों को, उन तरंगों को नहीं पकड़ सकते। ऐसे ही जब तक हमारा शरीर वो भक्ति साधना करके सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उन देवी देवताओं की तरंगों को नहीं पकड़ सकता, उन्हें साक्षात सामने नहीं देख सकता। अब किसी को भी जियो की तरंगे या एयरटेल की, आइडिया की या और भी जितने कंपनियां हैं उनकी तरंगे दिखाई तो नहीं देती, डिश की तरंगे दिखाई तो नहीं देती, लेकिन एक छतरी ऊपर लगाई और नीचे डिश बॉक्स रख दिया तो आपको अनेक प्रकार के चैनल्स टीवी के माध्यम से दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से आपके द्वारा जो अलग अलग सिद्धि साधनाएं की जाती हैं, विधि विधान किए जाते हैं, हवन जप तप नियम, आपकी जो हठ योग है, आपके योग किए जाते हैं, वो भगवान तक पहुंचते हैं, परंतु वो आपको क्या संकेत देना चाहते हैं, वो आपको कौन सा आशीर्वाद किस संकेत के माध्यम से देना चाहते हैं, वो अलग अलग हैं। कभी फूल गिरा करके, कभी ज्योत के अंदर ज्योत की लंबाई को बढ़ा करके, कभी उस ज्योत को लहरा करके। इस वीडियो में हम यही संकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में ही बताएंगे। अन्य वीडियोस में अलग अलग इसी प्रकार से कैसे देवता संकेत देते हैं कि वो प्रसन्न हैं और आपके उस कार्य के लिए हाँ बोल रहे हैं, अनेक वीडियोस बनाई गई हैं, उनमें आप इस बात को प्राप्त कर सकते हैं। ज्योत का बार बार करके हिलना, लहराना या ज्योति का ऊंचा बढ़ जाना आपको शक्ति, उस देव्य शक्ति का आशीर्वाद देने के लिए ही पूर्णतया संकेत होते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके भी जो सगे संबंधी, जानकार, मित्र, बंधु, सखा हैं, यदि उन्हें भी इस प्रकार के अपनी ज्योति में संकेत प्राप्त होते हैं तो वो भी इससे, उनके आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, समझ जाएं और प्रसन्न रहें। सदैव प्रसन्न रहना भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि भगवान आपके दिल में आनंद रूप में निवास करते हैं। जब आप खुश रहते हैं तो वो भगवान की भक्ति मानी जाती है। तो आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी लाइव में भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन पूछा ले सकते हैं अपने घर परिवार की, ऑनलाइन पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की चेकिंग करा सकते हैं, जिसके लिए आप पर किसी भी प्रकार का कोई रुपया पैसा नहीं है मांगा जाता है, ना ही आपको देना है। और अपने परिवार की हर प्रकार के कामों के लिए लाइव में जुड़कर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी पूछा ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम।